बेगम कोट में दो तलबा ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में हवाई फायरिंग के वाके की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। फुटेज में तलबा को गुत्थम गुत्था होते हवाई फायरिंग करते देखा जा सकता है। चोरों के कब्रिस्तान में भी डेरे, सब्जाजार कब्रिस्तान फातिहा खानी के लिए आए शहरी की चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार, वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सरगर्म, मुस्तफा टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके 6 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान से 2,70,000 रुपए नकदी, 4 पिस्तौल, 8 मोबाइल फोन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना गुजरपुरा की हदूद में हवाई फायरिंग का मामला, मरकजी मुलजिमान मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद आरिफ समेत साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिमान से असलहा और जाय वकूआ से 25 गोलियों के खौल बरामद कर लिए। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, एफआईए ने कार्रवाई करते हुए प्राइस बॉन्ड डीलर जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत लाखों रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड बरामद। शहरी खबरदार होशियार, अपनी मदद आप। शहर में लगे स्पीड रेडार आज से चालान के लिए तैयार, इशारे से 25 मीटर पहले जिस लेन में हैं उसी में रहें वरना चालान भरें। कैनाल रोड पर 70 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करने पर ही चालान होगा। मॉल रोड, जेल रोड और मेन बुलेवार्ड पर 60 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करने पर चालान आपका मुंतजर। पीआईए की गिरती दीवार को एक और धक्का, केटरिंग की दो गाड़ियां पुरअसरार तौर पर लापता। केटरिंग गाड़ियों को लाहौर और सियालकोट के दरमियान गायब किया गया। गेट पास पर स्टोर परचेज अफसर और फूड सर्विसेज इंचार्ज के दस्तखत मौजूद। भूखे चोरों ने लाखों का खाना और केटरिंग सामान चुराया। डिप्टी जनरल मैनेजर फूड सर्विसेज हसन महमूद कुरैशी मुअत्तल, सामान चोरी हो गया, गाड़ियां छोड़ दी, तर्जुमान पीआईए का दावा। बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, पायलट और कैबिन क्रू सब के खाने पर डाका। स्नैक, फल, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन शाशले का गायब। जूस, खीर, स्वीट, पेस्ट्री, कहवा, बोतल और चाय भी चोरी। दो बड़े जहाजों के मुसाफिरों के खाने पर हाथ साफ किए गए। किचन कुजीन नामी कंपनी ने पीआईए को खाने का बिल भी भिजवा दिया। बस बहुत हो गई, पीआईए मुलाजमीन की मौजें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद शुरू। अफसरान से कवायद व जवाबित के खिलाफ दी गई गाड़ियों की वापसी का हुक्म, पीआईए के जनरल मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ने अहकामात जारी कर दिए। मैं जब दोबारा अपना कैश निकालने के लिए आया हूँ तो वहाँ से पता चल रहा है कि मेरी पूरी सैलरी ही वो किसी ने पहले ही विदड्रॉ कर ली हुई है। कहीं लाखों का खाना गायब तो कहीं बैंक अकाउंट का सफाया। हैकर का जनरल अस्पताल के मुलाजिम के अकाउंट पर हमला। फार्मेसी पर मुलाजिम शकील अहमद के पूरे अकाउंट का सफाया। माह सितंबर की पूरी तनख्वाह ही गायब कर दी। मुतासर नौजवान एटीएम मशीन पर गया तो कार्ड भी ब्लॉक। हैकर्स के हाथों लुटने वाले शकील अहमद की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। किसी स्कीम को देखे बगैर मंजूरी नहीं दूंगा, हर स्कीम का खुद जायजा लूंगा, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने एलडीए को लाल झंडी दिखा दी। एलडीए, टीपा और वासा का बजट मंजूर करने से इनकार, घरेलू सार्फीन के लिए पानी के निरखों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। पानी बोतलों में बेचने वाली कंपनियों से चार्जेस देने की मंजूरी। पानी के अज खुद गैर कानूनी कनेक्शन खत्म करने के लिए 45 दिन की मोहलत देने का फैसला। एलडीए की लीगल, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स की कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी, 7 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। नैब की साबिक वजीर आला के जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। हमजा शहबाज की फैमिली के हमरा नैब ऑफिस आमद, वालिद से मुलाकात, नैब केसेस, पीएसी चेयरमैनशिप समेत दीगर अमूर पर बातचीत। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद नैब टीम शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले गई।
एक धेले की करप्शन नहीं की, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ। ब्लड कैंसर है, मेरा तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया, अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली से मिलने नहीं दिया गया, बहू भी बीमार है। शहबाज शरीफ अदालत के सामने फट पड़े, जब कोई आएगा नहीं तो हम कैसे मुलाकात कराएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत ने डीजी नैब को मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ कब तक भागेंगे, अदालत में पेश होना ही पड़ेगा। आसान है, मॉडल टाउन के शोहदा के वरासा को इंसाफ मिलकर रहेगा, हमारी जगह कोई और होता तो शहीदों का नाम ही भुला देता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का तकरीब से खिताब, कातिलों को पकड़ने में ताहिरुल कादरी का आखिर तक साथ दूंगा, शोहदा का हिसाब लेने के लिए ताहिरुल कादरी जैसा बंदा ही चाहिए। सूबाई वजीर प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन की गुफ्तगू। दरबारों की 85 करोड़ रुपए की आमदन कहां जाती है। पंजाब के 500 से ज्यादा मजारों की चंदा में मुबैना करप्शन की बाजगश्त, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर फॉरेंसिक ऑडिट शुरू, मजारों के फंड से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। नई तालीमी पॉलिसी क्या होगी, लम्स के प्रोफेसर्स को सरकारी यूनिवर्सिटी के 3 वाइस चांसलर्स पर फौकियत देने पर तनाजा खड़ा हो गया। 6 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, 29 अरकान को शामिल किया गया, सरकारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 वाइस चांसलर्स को रुकन बनाया गया। 6 वर्किंग ग्रुप्स का सरबराह निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बनाया गया। पक्की मुलाजमत चाहिए तो असातिज़ा को क्या क्या करना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब ने असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए नई शरायत लगा दी, BA, BEd, MA, MEd लाजमी करार, मुस्तकिली से कबल क्लासों के नतायज भी देखे जाएंगे। डॉल्फिन फोर्स का एक और दस्ता आवाम की हिफाजत के लिए तैयार, डॉल्फिन फोर्स के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड, 881 अहलकार पास आउट, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और IG की तकरीब में शिरकत, परेड का मुआयना भी किया। अहलकारों का अपनी अमली सलाहियतों का मुजाहिरा, डाकुओं को पकड़ने की खसूसी मशकें, पुलिस बैंड ने खसूसी धुनें बखेरी, वजीर आला ने नुमाया कारकर्दगी पर अहलकारों में शील्ड तकसीम की, बोले दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आ चुकी, पुलिस को तमाम सहूलतें और वसाइल देंगे। डकैती की बढ़ती वारदातें रोकने के लिए नई हिकमत अमली तैयार, डॉल्फिन अहलकारों को अब थानों में भी तायुनात करने का फैसला, 2416 अहलकारों को शहर के 50 बड़े थानों में तायुनात किया जाएगा। पानी की बचत के मुनफरिद मंसूबे का आगाज, वजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी पौधों को लगाया जाएगा, वासा ने इस्तेमाल शुदा पानी को रिसाइकिल करने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद ने जौहर टाउन में मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मिशन क्लीन लाहौर जारी, एंटी इंक्रोचमेंट टीम और जलई इंतजामिया का लारी अड्डे के करीब ग्रैंड ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर कायम 8 गैर कानूनी कैंटीन्स को मिसमार कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम कामयाब बनाने का इनाम, वजीर आजम पाकिस्तान के साथ डिनर का अहतमाम, दातागंज बख्श जोन के अफसरों के लिए वजीर आजम के साथ डिनर की पेशकश, जो अफसर टारगेट पूरा करेगा वजीर आजम पाकिस्तान के साथ खाना खाएगा, DC लाहौर सालिया सईद। इंसाफ की फराहमी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक का बड़ा इकदाम, पंजाब भर की मातहत अदालतों को जानशीनी सर्टिफिकेट की दरखास्तों पर फैसला 1 हफ्ते में सुनाने का हुक्म, सक्सेशन सर्टिफिकेट में शहादतों के बाद 1 हफ्ते में फैसला सुनाया जाए, हाई कोर्ट का हुक्म, मुरासला जारी। मुल्की सनत को पैरों पर खड़ा करेंगे, पहले जब वजीर थे तो काम नहीं भी करते थे तो काम चल जाता था, अब ऐसा नहीं है, वजीर आजम से मुलाकात करके खुद ताजरों के मसाइल से आगाह करूंगा। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल का लाहौर चैम्बर की तकरीब से खिताब,
सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलमास हैदर बोले, ज़रात पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक 10% टैक्स लगाना ज़रूरी है। असम्बलियों में बैठे सियासतदान और वडेरे खुद पर टैक्स नहीं लगने देते। IMF हमारी कारकर्दगी से मुतमाइन नहीं, चेयरमैन FBR ने मुलाजमीन और अफसरान को बता दिया। बोले, काम करना होगा, टैक्स कटौती करके रिकवरी को बेहतर बनाएं। असासों में प्रॉपर्टी गाड़ियां जाहिर ना करने वालों को नोटिस जारी करें। चेयरमैन FBR के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। टैक्स जमा न कराने वाले बड़े रेस्टोरेंट्स अब नहीं बच सकेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन, 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को जबरी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड कर लिया। नोटिस का जवाब न देने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज। UCP खेलों के मैदान में भी पेश, इंटर कॉलेजेट साइकिलिंग मुकाबले, मुल्क भर से 12 यूनिवर्सिटीज़ के खिलाड़ियों की शिरकत। UCP के 19 तलबा ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम करके मैदान मार लिया। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 35वीं बरसी, रोमानवी हीरो वहीद मुराद ने अपनी फ़न्नी सलाहियतों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वहीद मुराद ने फिल्मों में बेहतरीन कारकर्दगी पर कई अवार्ड हासिल किए। वो 23 नवंबर 1983 को खालके हकीकी से जा मिले।